मम्मी पापा बोलो शंकर भगवान की। और ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली आने वाला है बहुत। और दोस्तों, नासिक रोड स्टेशन से हमने ली टैक्सी और टैक्सी लेके हम सीधे निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर। नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है, और इस बीच में हमें बहुत सुहाना मौसम और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए मिले। अगर आप उसका आनंद उठाना चाहते हैं तो ब्लॉग को अंत तक देखें और उस दृश्य का उठाएं लुफ्त। और दोस्तों देखिए, जैसा कि ड्राइवर साहब ने बताया कि बाहर आगे बारिश होने की संभावना है, इसलिए हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने सामान को। जो बैग है उस पर तिरपाल बिछा रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए कुछ लोग आने के लिए। अभी हम लोग नासिक में हैं और यहाँ बारिश होने वाली है, तो ऊपर ये ड्राइवर भैया थोड़ा सा सुरक्षा के लिए तिरपाल लगा रहे हैं। बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी मिस मत करिए इस समय नासिक आने के लिए, और इस धर्म नगरी में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। मौसम की सही जानकारी देंगी मम्मी, सबकी नजरें मम्मी पे टिकी रहती हैं, क्योंकि नो फ्लाइट, बहुत अच्छा, नो कार, ओनली ऑटो। मौसम बहुत अच्छा है, हरियाली बहुत ज्यादा है। पापा जी कैसा रहा मौसम, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ठंडा ही ठंडा है। आप हमेशा मेरे से कहते थे कि वहाँ पर ये है दिक्कत है, भूकंप आ रहा है। भोलेनाथ और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से पूरे सामान को कवर किया है, कहीं से भी गीला होने की कोई संभावनाएं नहीं नजर आ रही हैं। अच्छी तरह जानते हैं यहाँ के मौसम के बारे में। और शानदार सड़क, ये देखिए मैं आपको सड़क दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार। बादल आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, ब्लॉग में आएगा बहुत ज़्यादा ही मज़ा, इसलिए ब्लॉग में बने रहिएगा अंत तक। और दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि जो मुंबई और मुंबई के आसपास के जितने भी इलाके हैं, अमृत तुल्य चाय एक फेमस ब्रांड है, सभी ने सुन रखा होगा। और हम जा रहे हैं एक यहाँ पर उनकी एक फ्रेंचाइजी है उसके पास, और उस अमृत तुल्य चाय का आनंद उठाएंगे, क्योंकि कल से पापा ने चाय नहीं पी है। ये संदीप फाउंडेशन इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बड़ा बहुत बड़ा कैंपस। और ये देखिए अमृत तुल्य आरोग्य चाल, ये नाम ही भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। और अगर आप आ रहे हैं महाराज तो इस चाय को पीना बिल्कुल ना भूलें, आरोग्य अमृत तुल्य चाय। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जो भी महाराष्ट्र आएगा वो आरोग्य अमृत तुल्य चाय जरूर पिएगा। और ये इनका सिंबल स्टैचू है, देखिए बहुत शानदार तरीके से ये चाय पी रहे हैं। और अब हम लोग सभी लोग जा रहे हैं यहाँ चाय का आनंद लेने के लिए। मम्मी, आराध्या, पापा जी आइए आइए, उतर नहीं पाएंगे, चाय वहीं सर्व करी जाए। ओके। और दोस्तों, अमृत तुल्य चाय पीने के बाद परिवार के सभी लोग बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, और उसके बाद हम बढ़े आगे। हुआ है अंजनेरी पर्वत, अंजनेरी पर्वत, हाँ, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, जैसे कि ड्राइवर साहब ने बताया कि कुछ ही दूरी पर है अंजनेरी हिल, मतलब वहाँ स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हैं। यह सुनकर परिवार के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह दृश्य अगर आपको देखना है तो ब्लॉग पे बने रहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट कुछ मिनटों में ही पवन पुत्र हनुमान के दर्शन होने वाले हैं। ये हैं अपने प्यारे बजरंगबली बाबा, जो स्वयं विराजमान है पीठ करके। ये है उनका जन्म स्थान अंजनेरी पर्वत महाराज नासिक के पास।
जब हम त्रिमकेश्वर की ओर जाते हैं वहाँ, और ये देखिए दैवी नज़ारा, जब भी दर्शन देखें शीर्ष उठा कर नमस्कार करें, बोलो जय बजरंगबली बाबा की जय। और दोस्तों जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था, जो नज़ारा हमने देखा वो किसी भी कैमरे द्वारा कैद किया जाना नामुमकिन है। मतलब आप उसको फील कर सकते हैं, ऐसे लग रहा था जैसे कि हम बादलों की दुनिया में चले जा रहे हैं। बड़े बड़े पर्वत, बादल बिल्कुल नीचे, काली घटाएं, मतलब यहीं रहते हैं अपने भोलेनाथ। यह है मंदिर, बहुत ही पास से देख पा रहे हैं, और शंकर भगवान की जय। ये रास्ता है मंदिर का, और दोस्तों जैसे ही हम त्रिमकेश्वर मंदिर के पास पहुंचे, उसके बाद वहां के सभी लोगों ने हमें बताया कि यहां श्री गजानन संस्थान, जो कि सेगांव में एक आश्रम है, वो भक्तों के ठहरने का सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तो सीधे हम लोगों ने टैक्सी वाले से कहा कि आप हमें सेगांव श्री गजानन आश्रम ले जाएं। और इसी के साथ ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए यात्रा में बने रहें और ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।